तुम्हें क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी के आदमी हो। इस सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। पांच कालिदास में मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले जो केशव मौर्य वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप लोग समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से भी एक ऑफिशियल ट्वीट हुआ इस मामले पे। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, दो केवल ये फैसला टला है। तुम्हें क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी के आदमी हो। नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता दें तुम्हें। अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर, और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं। जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। अब सदस्य आप नहीं तो आपको बना देता। नहीं, मेरी इच्छा है कि आप ही बन जाओ तो आप पक्ष अच्छा रखोगे हमारा, क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहे होगे। बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा, जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी। और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब दो दिन में बाहर निकल गया, तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहां थी। आप कहो तो सब दे दें, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अच्छा, कोई सरकार बननी है बताओ, अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे जाइए। ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई, एक और सरकार घबरा गई कहीं ये जो संघर्ष है कहीं बढ़ ना जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्क में थे, और आप तो हीरो निकले ही मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का, कौन लोग थे, क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे।
सरकार खुद फैसला ले रही थी, और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो, जो भक्ति रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता है, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे? नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ, उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिले रहे हों ये लोग, क्योंकि इधर सब बिल्डर उन्हीं की तरफ चले गए। मेरे पत्रकार साथी, उन्होंने ही कराया, वही रंग मिटा रहे हैं। करा तो उन्होंने ही ना, सरकार का ही फैसला था ये। अधिकारी फैसला इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं, ये सरकार का फैसला था ये। आप इस तरह बात को मत हटाइए। सरकार कमजोर पड़ गई इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि इन 10 ना हार जाएं, इसलिए फैसला टल गया। प्रेस को ज्यादा मिलेगा। प्रेस को कितना मिलता है? कितना बजट है प्रेस का रविदास जी? कितना है? हैं? ए, इतना इतना सच मत बोलो हमारे। अगर अगर ये सही है, इस अखबार को बीच बीच में कम मिला है। ये अपना सच बता रहे हैं। नहीं, अब बजट पे जब आएगा तब बोलेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं, हमारा देखिए ऐसा है, बजट पे तो केवल एक ही पक्ष है, बजट का केवल एक पक्ष है कि जब ये देश की सरकार ये कहती है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत की हो जाएगी, उसमें उत्तर प्रदेश जो अपना सपना देख रहा था कि एक $1 trillion की इकोनॉमी होगी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या सहयोग किया और दिल्ली सरकार ने क्या मदद की? पहली बात कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की $1 trillion इकोनॉमी कर देंगे, उसमें दिल्ली सरकार की क्या मदद थी, कितना सहयोग किया? और फिर जो ग्रोथ रेट चाहिए यूपी को, वो 35% की चाहिए, तो उस 35% ग्रोथ रेट के लिए क्या मदद किया दिल्ली सरकार ने? और फिर दिल्ली सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की, अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या दुनिया के उन देशों के बराबर होगी या हुई है कि नहीं हुई है? बस, वरना ये सब आंकड़े हैं जनता को धोखा देने के लिए। बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों का।